हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू ME5। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे ME5 चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट करियर अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं दोस्तों, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। जी हाँ, माइक्रोबायोलॉजी का नाम आपने तो बहुत बार सुना होगा, बट आज मैं इसमें डिटेल में बताऊँगा कि आप इसमें किस तरह से अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं, क्या इसका मेन डेफिनेशन होता है और कौन से ऐसे कोर्सेस एंड ड्यूरेशंस हैं जो करके आप इसमें आप जो है करियर को आगे बढ़ा सकते हैं, क्या क्या स्पेशलाइजेशंस में आप अपने स्टडीज़ को कर सकते हैं दोस्तों, एलिजिबिलिटी एंड एडमिशंस के बारे में मैं बताऊंगा, टॉप कॉलेजेस, सैलरी, जॉब सेंस, करियर, सब कुछ जिस तरह से हम पैटर्न फॉलो करते आ रहे थे इतने सारे वीडियोज़ में, उसी पैटर्न को आज कंटिन्यू करते हुए माइक्रोबायोलॉजी को भी उसी तरह डिस्कस करते रहेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं मेरे द्वारा, विकास जी के द्वारा, अभिषेक सर के द्वारा, टाइम टू टाइम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आते रहते हैं दोस्तों, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर बिना किसी देरी के, करियर इन माइक्रोबायोलॉजी। तो डेफिनेशन से शुरुआत करें तो बेसिक डेफिनेशन ये है कि माइक्रोबायोलॉजी नाम में ही पता चल रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना दोस्तों। जी हाँ, माइक्रोबायोलॉजी इज नथिंग बट इट्स अ स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या है, विच आर वेरी स्मॉल, आप हमारी जो नेकेड आई से हैं वो देख नहीं पाते, हमको माइक्रोस्कोप या कुछ मीडियम की ज़रूरत होती है ताकि हम उसको देख सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई। अगर नेकेड आई से दिखने लग जाए ना, कोई बीमार नहीं पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि उसको भगाए तक, उसको मारे तक जो आदमी क्लीन करता ही रहेगा। इनकी खासियत यही है कि ये लोग हमको दिखते नहीं हैं, इनसे बहुत ही बचना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। सो इनके बारे में पढ़ना, इनके बारे में स्टडी करना इज नथिंग बट माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है दोस्तों, राइट। एंड द स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बहुत ही वाइड है, क्योंकि आजकल जिस तरह से जो डिसीजेस लोगों को अटैक कर रहे हैं, मेन ले लीजिए आप कोरोना वायरस ही ले लीजिए, राइट, तो वो भी एक जो है ऑर्गेनिजम्स है जो हमारे आंखों को नहीं दिखता है और किस तरह से सारी दुनिया को तबाह कर चुका था दो तीन सालों में, राइट। सो उनको स्टडी करना, उनके लिए इलाज निकालना, इट हैज़ ए वाइड स्कोप, ओके, इन वेरियस फील्ड सच एज ए फार्मेसी, मेडिसिन, क्लिनिकल रिसर्च, एग्रीकल्चर में फूड क्रॉप्स को भी कई तरह के बैक्टीरिया ख़राब कर देते हैं, डेयरी इंडस्ट्री हो गया, वाटर इंडस्ट्री हो गया, राइट, वाटर में भी कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी, केमिकल टेक्नोलॉजी बहुत सारे हैं जहाँ पे आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं दोस्तों, राइट। एंड जो कोई भी इस माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ता है, इस फील्ड में अपने स्पेशलाइजेशन, अपनी माहिरियत को हासिल करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं दोस्तों, ओके। माइक्रोबायोलॉजी एज अ साइंटिस्ट दो स्टडी ऑर्गेनिजम्स एंड इन्फेक्शियस एजेंट विच के नॉट बी सीन थ्रू द नेकेड आई, हो गया। तो अभी बात करते हैं कोर्सेस एंड ड्यूरेशंस की। देखिए इसमें कोर्सेज की बात करें तो बैचलर कोर्सेज देखने को मिलेगा, बैचलर ऑफ साइंस माइक्रोबायोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस इन अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी और बैचलर ऑफ साइंस इन इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, सब कुछ रहेगा दोस्तों, राइट। इसके बाद मास्टर कोर्सेज आता है, मास्टर ऑफ साइंस इन माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी हो गया, एंड जेनेटिक्स एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया। ये तरह तरह के हैं जहाँ पे आप अपने मास्टर कोर्सेज को परस्यू कर सकते हैं दोस्तों, राइट। एंड उसके बाद जो है PhD के कोर्सेज भी अवेलेबल है, अगर आप चाहते हैं तो इसमें रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हैं, एज ए डॉक्टर या एज ए साइंटिस्ट भी आप इसमें वर्क कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्पेशलाइजेशंस की बात करें तो एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी हो गया, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, एवोल्यूशनरी माइक्रोबायोलॉजी, नैनो माइक्रोबायोलॉजी, सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी, ओके, सॉइल में भी कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं, वहाँ पे भी आप अपने स्पेशलाइजेशन को कर सकते हैं, दैट इज सॉइल माइक्रोबायोलॉजी जिसे कहा जाता है, वाटर माइक्रोबायोलॉजी, तरह तरह के होते हैं जहाँ पे आप अपने स्पेशलाइजेशन को हासिल कर सकते हैं दोस्तों, राइट। एंड एडमिशन, एडमिशन किस तरह से पाए हम, अगर एक कोर्सेस करना है तो आपको किसी ना किसी कॉलेज में तो जाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे अगर इन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि आपको जो है 10+12 मिनिमम 50% मार्क्स से पास करना पड़ेगा विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट्स, याद रख लीजिए ये तीन सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, एंड विथ 50% मार्क्स आपको आना ही पड़ेगा दोस्तों, ओके। डील्स विद द माइक्रोब्स, क्योंकि अब सभी लोग जानते हैं माइक्रोबायोलॉजी तो माइक्रोब से ही डील करता है, उसकी अडॉप्टेबिलिटी, उसके कंडीशंस, ओके, उसको टैकल करने के लिए जो मेडिसिन हैं, उसको क्लीन अप करने के लिए जो बनाना चाहिए, सारा कुछ इसमें पढ़ाया जाता है आपको। उसके बाद आप एक ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम लिखना पड़ेगा जिसे हम नीट कहते हैं दोस्तों, या फिर एम्स, अपने अपने यूनिवर्सिटी अपने अपने एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, जिपमर हो गया, राइट। उसके बाद आप टॉप कॉलेजेस की बात करें जो माइक्रोबायोलॉजी कोर्सेज ऑफर करते हैं, पहला जो है MET यूनिवर्सिटी हो गया दोस्तों,
भारत यूनिवर्सिटी चेन्नई, उसके बाद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय हो गया, नेक्स्ट है हमारा जीवाजी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया और क्रिस्टीन मेडिकल कॉलेज हो गया, वेलूर में है। एंड जॉब्स एंड करियर की बात करें, ये बहुत ही जान लेना ज़रूरी होता है क्योंकि हर करियर के पीछे आपका उसका स्कोप क्या है उसको जानने के बाद ही आप उसको परस्यू कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे बहुत ही वाइड स्कोप है, जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया था, यू कैन नॉट ओनली वर्क इन प्राइवेट सेक्टर, यू कैन ऑल्सो वर्क इन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो। दोस्तों ठीक है, यहाँ पे आपको इंडिया में ही नहीं बल्कि इनका जो डिमांड है वो यूके, यूएस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी में भी आपको देखने को मिल सकता है, राइट। और वेरियस फील्ड्स हैं जैसे कि हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेंसिक लैबोरेटरीज, ओके, और एज ए लेक्चरर की तरह भी आप काम कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में काम कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे आपको जॉब्स मिल जाएंगी दोस्तों। एंड जॉब प्रोफाइल्स की बात करें तो रिसर्च असिस्टेंट, फूड इंडस्ट्रियल और एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजिस्ट, क्वालिटी एश्योरेंस टेक्नोलॉजिस्ट, ओके, सेल्स और टेक्निकल रिप्रेजेंटेटिव, मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, बायोमेडिकल साइंटिस्ट, सारा कुछ इसमें आपको जॉब प्रोफाइल्स देखने को मिल सकता है दोस्तों। एंड टॉप रिक्रूटर जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट को रिक्रूट करते हैं, कौन से कंपनी से, मैस्कॉट इंटरनेशनल है, सिरॉन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, अल्फा फार्मा हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ओके, क्रॉटर हेल्थ लिमिटेड, नेक्स्ट इंडियन होटल्स ITC जिसे हम कहते हैं, IHC जिसे हम कहते हैं, राइट। तो तरह तरह के हैं जहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी ग्रेजुएट्स को ये लोग टाइम टू टाइम हायर करते रहते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनकी सैलरी की बात करें तो इनकी जो एवरेज सैलरी होती है वो शुरुआती जो है 2-3 लाख पर एनम होती है दोस्तों। एंड अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आपके एक्सपीरियंस के साथ काम कर सकते हैं, देन यू विल गेट डबल ऑफ दिस पे, ओके, एक्सपीरियंस के साथ आपको 6-7 लाख पर ईयर भी यहाँ पे जा सकते हैं। इसके अलावा भी कई तरह के पर्क्स और बेनिफिट्स भी, अलाउंसेस भी आपको दिए जाते हैं। सो दिस इज द बेसिक ओवरव्यू, बेसिक आइडिया ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। उम्मीद है कि आपको एक क्लियर मिला होगा कि किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप 10+2 के बाद क्या लेना है, राइट, कौन से स्पेशलाइजेशन एरिया है जहाँ पे आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं, कौन से जॉब प्रोफाइल से क्या सैलरी है, सब कुछ आइडिया मिला होगा। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।